गुड इवनिंग, वेलकम बैक। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव टू चैप्टर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन योर 11th स्टेट बुक वी हैव टू चैप्टर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट वन इज नोन एज यू नो पार्ट वन and the second one is part 2. So I will write over here that this is our chapter trigonometry. Just I give you just basic idea of the our workout plan. Okay, so we have this major chapter trigonometry and it has two parts. First one is part 1, which we are doing currently, and we have second part, that is part 2. Fine, this part 1 is easy. Why it's easy? Because it's related to 10th standard plus, you know, 10th plus, not only 10th, of course all the concepts of 10 plus extra sums, all the syllabus you have learnt in 9th 10th, basically 10th plus extra sums, not only 10th but additional. It's not only 10, it's more than 10th and much more than 10th. And part 2 is completely new for you all. Completely new. Actually, it's not very tough, but it's completely new, and it's tough. Now you will ask me, sir, why it's little bit tough? Because in reality, this part 2 is made of two chapters, chapter 1 and chapter 2. Basically both are combined and in part 2. I'll explain. देखो क्या है, part 1 easy है because 10th का जो तुमने पढ़ा हुआ है 10th तक, वो और उसके आगे काफ़ी उसके आगे करेंगे। बेसिकली बेस आइडिया आप लोग के पास है, सब लोग के पास, तुम लोग के पास बेस आइडिया है, वो पार्ट 1 में। बट पार्ट 2 में क्या प्रॉब्लम है, वो कम्प्लीटली न्यू है। तुम लोगों ने पार्ट 2 के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा। एक्चुअली पार्ट 1 भी वहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही है ना, बट पार्ट 2 कम्प्लीटली नया है। चलो नया है तो ठीक है, सीखेंगे। बट उसमें एक अच्छी बात क्या है, या बुरी बात बोलूँगा मैं, क्या है असली में, ये एक चैप्टर के जितना है, ये एक चैप्टर ही है, ये असली में इंटरनली दो चैप्टर में डिवाइड है जो दिखता नहीं है। पिछले साल पोर्शन चेंज हुआ है, राइट, 12th स्टैंडर्ड का 11th का पिछले साल चेंज हुआ है, तब उन्होंने ऐसा कर दिया। असली में ट्रिग्नोमेट्री के तीन चैप्टर होते थे, चैप्टर पार्ट वन पार्ट 2 पार्ट 3। पिछले दो साल से, अगर जब से चेंज हुआ है, तब से उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया। बट उसके पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 था। अब तुम बोलोगे सर पार्ट 1 क्या था, पार्ट 1 तो पार्ट 1 ही है, बट पार्ट 2 और पार्ट 3 को, जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बोल रहा हूँ ना मैं, इनको कंबाइन कर दिया है और सब कुछ एक में कर दिया है, कंबाइन कर दिया। आई विल राइट हियर। सो जस्ट आई वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया दैट याद रखना है पार्ट 1 बहुत ईजी है। देख के ज़्यादा खुश मत हो जाना कि सर ये तो कुछ है नहीं, नहीं नहीं, आगे तो दो चैप्टर का कंबाइन एक चैप्टर है और वो दोनों नए हैं तुम्हारे लिए। ये खुश करने के लिए पार्ट 1 है, बट जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 असली में अकेला दो चैप्टर के बराबर है, राइट। हम लोग दोनों करेंगे और दोनों में तुम लोग मास्टर बन जाओगे। सो डोंट वरी एट ऑल, टेंशन तो लेना नहीं किसी चीज़ का भी, रिलैक्स, एकदम आराम से हम लोग सब कुछ करने वाले हैं और हम लोग बेस्ट एकदम परफेक्ट करने वाले हैं जो भी करेंगे, डोंट वरी। और अभी वी स्टार्ट विद द पार्ट 1, इस एक्चुअली ए कम्प्लीट चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 जो असली में दो चैप्टर जितना है वो हम लोग ज़रूर करेंगे आफ्टर
part 1, we will jump here. But for some time, you know, it's a chapter, right? जो एंगल एंड मेजरमेंट्स हमारा हो गया है चैप्टर, वैसा अकेला चैप्टर है पार्ट वन. सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बहुत है हमारे पास इस साल में, ठीक है. दैट्स इट. सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग आइडिया. यू कैन जस्ट लेट मी नो इन टू चैट बॉक्स. सबको समझ में आ रहा है आइडिया, प्लान समझ में आ गया. हम लोग पहले पार्ट वन करेंगे, पूरा ख़त्म करने के बाद पार्ट टू करेंगे. और पार्ट टू को टाइम लगेगा क्योंकि दो चैप्टर के जितना एक चैप्टर है, वो दोनों भी नए हैं हमारे लिए, नए हैं क्योंकि कभी देखे नहीं है उसके फॉर्मूलाज. कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस थीटा टैन थीटा, बट फार्मूलाज नए आ जाएंगे. ओके फाइन. सो एवरीवन इज़ फाइन विद द कॉन्सेप्ट. ओके सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट पार्ट वन टुडे एंड आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स. फाइन ग्रेट. ओके One minute. Fine. So here we start the part one. Okay. Of trigonometry, part one of trigo. Great. So I will introduce with the basic formulas. देखो basic formulas से जाऊँगा मैं. अब तुम लोगों में से काफ़ी लोग होंगे, मैं तो बोलता हूँ सभी होंगे, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला पता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन, क्योंकि टेंथ पास है राइट सब लोग. और मुझे देखने से समझ में आता है, देख तो नहीं पा रहा हूँ बट मुझे फील होता है कि सब लोग टेंथ में उन्होंने पढ़ाई किया ट्रिग्नोमेट्री का. बट एक्चुअली यू नो हो सकता है हम सबको आता हो, एक स्टूडेंट को ना आता हो. तो मैं तो स्टार्टिंग करूँगा बेसिक से ही, बिकॉज असली में उन्होंने जो 11th स्टैंडर्ड का बुक है ना, उसमें स्टार्टिंग बेसिक से की है. मतलब पूरा 10th का कवर होगा, उसके बाद फिर एडिशनल होगा. तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से, ठीक है. तो अगर कोई बोर हो कि सर मुझे ऑलरेडी आता है, तो याद रखो आता है तो ब्रशअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10th वाला चीज़ें यहाँ पर हैं यहाँ पर, ठीक है. अगर तुम लोग को आती हैं पर बाकियों को नहीं आता होगा राइट. सो और तुम लोग को भी पूरा नहीं आता होगा, हो सकता है आइडिया होगा. सो वी विल डू विद द बेसिक्स राइट. So I will start with the basic, and what is that basic formula of sine theta? What is sine theta? 1 upon cosec theta. Formula of sine theta is 1 upon cosec theta. Because 3-4 महीने से हम लोग 10 छोड़ दिया राइट, हो चुका है ना 10, तो भूल जाते हैं, तो ये रिविजन के तौर पर होगा. सो sine theta is 1 upon cosec theta, राइट. एक्चुअली दीज आर फार्मूलाज, यू हैव टू रिमेंबर दिस. If you already know, great, very good. So, sine theta equal to 1 upon cosec theta, and cosec theta will be 1 upon sine theta. Actually, दोनों same ही हैं, मतलब सिर्फ reciprocal है, same नहीं, reciprocal. Sine theta 1 upon cosec होगा, तो cosec कितना होगा, 1 upon sine होगा. That's it, वो तो सबको पता है right? तो हमको सिर्फ एक ही याद रखना है, sine याद रखना है, 1 upon cosec होता है, reciprocal of cosec है. क्या है? Reciprocal of cosec रहता है, reciprocal. Reciprocal मतलब क्या? ऊपर नीचे, वन अपॉन उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं. साइन अगर 1 upon कोसेक है, तो कोसेक कितना होगा? 1 upon साइन, वेरी इजी. नाउ सेकेंडली वन मोर फार्मूला वी हैव, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू 1 upon सेक थीटा. तो अगर कॉस 1 upon सेक है, तो सेक कितना होगा? ऑफकोर्स 1 upon कॉस होगा. cos theta is 1 upon sec, so of course sec will be 1 upon cos. याद रखो ये वाले जो फार्मूला याद करना ही नहीं है, ये reciprocal से derive करेंगे, इससे derive इसको करेंगे, इससे इसको derive करेंगे right? So sin is 1 upon cosec, cos is 1 upon sec. बार बार बोलते रहो उसको, बार बार, मैं भी मन को याद बार बार याद दिलाऊंगा. हर सम में मैं फार्मूला लिखता हूँ, जो भी हम सम करते हैं ना, उसमें हर बार मैं फार्मूला लिखता हूँ कि तुमको याद रहेगा. तो ये जो फार्मूला अगर किसी को याद नहीं भी है ना, टेंशन लेना नहीं, मैं इतने बार उसको बार बार बोलता हूँ जान मुझ के, कि तुम लोग को ये तुम्हारे हाँ मतलब तुमको रात को भी उठा के कोई पूछे 3 बजे 2 बजे नींद में, तो भी तुम लोग को ऑटोमेटिक आएंगे. सो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, ठीक है. साइन इक्वल टू 1 upon कोसेक, सेकंड वन इज कॉस इक्वल टू 1 upon सेक, द थर्ड वन इज टैन थीटा इक्वल टू 1 upon कॉट थीटा. टैन और कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है. साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल, टैन एंड कॉट इज रेसिप्रोकल. ओके याद रखो, ये 10th नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, 11th पढ़ा रहा हूँ.
ये मत सोचना सर ये तो आप टेंथ वाली चीज़ें पढ़ा रहे हो। अरे मुझे पता है बेसिक स्टार्टिंग में टेंथ ही है बट ये इलेवेंथ में भी है, सो पढ़ाना तो पड़ेगा राइट। अगर आता है वेरी गुड, डोंट वरी, वेरी गुड। रिवाइज वंस अगेन, सो टैन इक्वल टू वन अपॉन कॉट, सो अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टैन, फाइन दैट्स इट। तो हमको याद कितने करने हैं सर? छः हैं। तुम बोलोगे सर याद कितने करेंगे? सिर्फ फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन, ये याद करना है। याद ही नहीं करना है क्योंकि साइन वन अपॉन कोसेक है तो कोसेक कितना होगा? वन अपॉन साइन। कॉस इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, देन व्हाट विल बी सेक? वन अपॉन कॉस। लास्टली टैन इक्वल टू वन अपॉन कॉट, सो व्हाट विल बी कॉट? वन अपॉन टैन, दैट्स इट। सो फाइनली वी हैव थ्री फार्मूलाज विथ अस। नाउ वन मोर फार्मूला, दैट इज आई लाइक दिस फार्मूला वेरी मच, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, दैट इज tan theta equal to sin theta upon cos theta, tan theta equal to sin theta upon cos theta। ये बहुत फेमस फार्मूला यूज होता है, हर जगह यूज होता है, दैट्स इट, tan equal to sin upon cos। और जो लोगों को ये पता नहीं sin theta tan theta क्या होता है, मैं बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर होता है उसमें ये सब थीटाज, यू नो, sin, cos, tan, टोटल सिक्स होते हैं। सिक्स कैसे होंगे देखो, वन sin, सेकेंड cos, थर्ड tan, फोर्थ कोसेक, फिफ्थ सेक, सिक्स कॉट। तो छः लोग हैं बेसिकली, यही लोग ट्रिग्नोमेट्री चलाते हैं। और थीटा मतलब क्या होता है? एंगल होता है। सो दिस इज सम बेसिक आइडिया, ओके। सो टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, एंड सिमिलरली कॉट कितना होगा? कॉस अपॉन साइन। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन वेरी केयरफुली, दैट टैन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, दिस इज वन फार्मूला। सो वॉट विल बी कॉस? दिमाग लगाओ, टैन और कॉट में क्या रिलेशन है? टैन और कॉट या कॉट और टैन में क्या रिलेशन है? दोनों उल्टे हैं, वन अपॉन है, रेसिप्रोकल है। तो टैन अगर साइन बाय कॉस होगा तो कॉट कितना होगा? साइन अपॉन कॉस है ना, इसको उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। कहाँ से ये एक्चुअली ये फार्मूला कहाँ से बन रहा है? ये फार्मूला जो है किधर से बना? इसके मदद से बना और इसके मदद से बना। समझ में आ रहा है सवाल को? टैन है साइन अपॉन कॉज। अब तुम बोलो सर ये कहाँ से आया? ये याद करना है, टैन इक्वल टू साइन अपॉन कॉज होता है, याद रखना है, याद करना ही पड़ेगा उसको, और वो हो भी जाएगा ऑटोमेटिकली। कॉट कहाँ से आया? हाँ ये डिराइव हुआ है, कैसे? टैन और कॉट में रिलेशन क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल। तो टैन अगर कॉज अपॉन साइन होगा तो कॉट कितना होगा? इसका उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, बेसिकली रेसिप्रोकल बोलो, उल्टे की जगह रेसिप्रोकल बोलो, साइन अपॉन कॉज हो जाएगा कॉज अपॉन साइन। सो दीज आर द बेसिक फार्मूला, याद रखो ये एकदम बेसिक फार्मूलाज है, इसके बाहर कोई बेसिक फार्मूला होता नहीं, यही होते हैं बेसिक फार्मूलाज। हाँ आइडेंटिटीज होंगी, अभी मैं लेने वाला हूँ अभी आइडेंटिटीज, बट दीज आर रियली द बेसिक फार्मूलाज यू नीड टू नो फॉर ट्रिग्नोमेट्री। I will give you entire one day to remember this, you know, by heart this formula. Actually, no need to by heart. You can, you know, just write 5-5 times each and it will be automatically fixed in your brain. That's it. So, are you comfortable? Everyone, को समझ में आ रहा है? यहाँ तक clear है? Sine is equal to 1 upon cosec. Cosec is 1 upon sine. Cos is 1 upon sec. Sec is 1 upon cos. And tan is 1 upon cot, cot is 1 upon tan. Actually, ये formulas हैं, इसमें कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ये formulas हैं जो कि 10th में भी थे, 9th में भी थे, right? That's it. Now, if this will be clear, then I will proceed to the identities. There are three identities in trigonometry. Fine. So, should I proceed further? आगे बढ़ूँ मैं? जल्दी से मुझे बता दो। Fine. So I can see all the students are really very comfortable. Very good. I'll proceed further. And the students who are not comfortable, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको बोलूँगा ये formulas हैं, इनको याद ही करना है, एक ही तरीका है हमारे पास, याद ही करना है। तुम बोलो सर इतने सारे, हाँ तो एक काम करता हूँ मैं, ये तीनों को, ये एक्चुअली चारों को याद करना नहीं है, इनको याद मत करना। क्यों? डिराइव हो रहे हैं, साइन वन अपॉन कोसेक है तो कोसेक वन अपॉन साइन, इससे ये आ रहा है। कॉस वन अपॉन सेक है तो सेक वन अपॉन कॉस, कहाँ से आया? इधर से आया। कॉट वन अपॉन टैन कहाँ से आया? टैन इक्वल टू वन अपॉन कॉट से, रेसिप्रोकल से।
cot sin upon cos upon sin है, tan कितना sin upon cos, तो ये इसका आंसर इधर से आ रहा है. तो टोटल 8 फार्मूलाज आई हैव रिटन, यू हैव टू ओनली रिमेंबर द टिक्ड वन, 1, 2, 3 एंड 4. चार याद करो, चार रहने दो, इसको याद करना नहीं, इसको दिमाग से सॉल्व करेंगे. अब कोई बोलेंगे सर ये चारों भी नहीं करना याद, फिर तो तुम लोग ना जाके सो जाओ फिर. वो हमारे कोई रास्ता नहीं है, चार तो करने ही पड़ेंगे. एक तरीका है फिर सो जाओ घर पे जाके, ऑलरेडी घर पे हो फिर सो जाओ. एक्चुअली सोना नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, कि मतलब बोलना चाहता हूँ कि चार तो याद करने ही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी याद करने ही है इसको. फाइन, सो आई विल प्रोसीड फर्दर. ग्रेट, एवरी वन इज गेटिंग फाइन. Now what is the next technique, the next formulas. Now I will show you the three identities that are known as trigonometry identities. Trigonometry identity होता क्या है, पता क्या होता है? Actually तीन formula है वो भी, बट जो पहले वाले फार्मूला से साइन कॉस टैन ये सब जो हमने देखा है, ये नॉर्मल प्लेन फार्मूला है. साइन कॉस टैन कोई पावर लीनियर है, मतलब कोई स्क्वायर नहीं है, राइट, सब फ्लैट एकदम. साइन कॉस टैन उनका डिग्री जो है पावर वन है. बट अब आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ये तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं, थ्री, तीन ही होती हैं, इसके ज़्यादा होती ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में. ओनली थ्री आइडेंटिटीज़ वी आर हैविंग, एंड बेसिकली आइडेंटिटी इज़ यू नो इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वेयर्स, स्क्वायर में रहती है. साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर ये सब होती है. तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी नंबर वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. ये आइडेंटिटी ना बच्चों को भी पता है, नाइन्थ के बच्चों को भी पूछूंगा ना मैं, बता देंगे. तो ये कोई बड़ी बात नहीं, याद करना बहुत ईजी है. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन. सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा. ये सेकेंड आइडेंटिटी, एक्चुअली दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो लाइक अ फार्मूला, दिस इज ऑल्सो यू कैन कॉल इट एज अ फार्मूला. असली में फार्मूला नहीं है, मतलब बोल सकते हैं याद, जो चीज़ याद करनी है फार्मूला में ही डाल दो तुम उसको, ठीक है. वन प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, ये बहुत फेमस है. ये ना अगर तुम लोग को याद नहीं किया तो भी ये अपने आप आ जाएगी. फर्स्ट वाली का फ़ायदा क्या होता है, यू नो वो किसी को भी याद रहती है, कोई बड़ी बात नहीं. सेकेंड वाली से थोड़ा काम चालू, वन प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा. वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, याद रखना. यहाँ पे टैन स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर ही आएगा. वन प्लस टैन थीटा इक्वल टू सेक्स थीटा नहीं हो सकता, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आएगा, सेम टू सेम. यहाँ पे बस सर वन नहीं है, यहाँ पे ले लूँ वन, नहीं नहीं जो है वैसे ही लेंगे, फॉर्मूला है, चेंज नहीं हो सकता. थर्ड वन दैट इज़ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बस दैट्स इट. ये तीन आइडेंटिटी के बाहर कोई है ही नहीं, तीन आइडेंटिटी है. इसी को बदल बदल के यूज़ करते हैं. कैसे बदल बदल के, मैं बताता हूँ. मतलब इधर उधर ले लेंगे बस, दैट्स इट, यू नो विल स्वैप एंड वी विल इंटरचेंज, कोसेक विल कम हेयर, वन विल गो देयर, बेसिक स्टफ वी विल बी डूइंग, आई विल एक्सप्लेन यू. बट बेसिक स्ट्रक्चर इतना ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. नाउ स्टूडेंट्स आस्क मी सर इसको याद कैसे करें, जो 11th वाले स्टूडेंट्स होते हैं और 10th वाले मेरे को पूछते हैं सर याद कैसे करेंगे, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ. देखो फर्स्ट वाली जो है ना उसको याद करना तो याद ही नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक आएगी. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन 5-10 बार बोलो अपने आप आ जाएगी. थर्ड वाली के लिए हिंट दे सकता हूँ, दोनों सी सी आता है, कॉट है तो कोसेक स्क्वायर आएगा, कॉट है तो कोसेक स्क्वायर है. और थर्ड वाली कैसे याद करेंगे, तुमने पहले वाले सब में देखा टैन थीटा कितना होता है, वन अपॉन कॉट थीटा, देखा ना पिछले सब में टैन थीटा वन अपॉन कॉट. तो देख लो वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर आ गया, क्योंकि सी सी है ना, तो कॉट का दोस्त कौन है, टैन है ना, टैन रेसिप्रोकल. तो यहाँ पे तुम वन प्लस टैन लिख दो, थर्ड वाली याद नहीं होती तो कॉट लिखा हुआ है ना, ये टैन भी आ जाएगा, फिर वन प्लस टैन आ गया. और फिर लास्ट में सेक कैसे आया, वो तो वही बचा ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, कोसेक, टैन सब हो गया, एक ही बचा है सेक. सो ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो.
कोई बड़ी टेक्निक नहीं बता दी मैंने, और इसके लिए टेक्निक होगी भी नहीं। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, यू हैव टू रिमेंबर देम, दैट्स इट। ये मैंने क्या बताया मैं फिर से बताता हूँ, देखो अच्छी तरह लिख देता हूँ। टैन थीटा कितना होता है? 1/cot θ, राइट? इतना हमको पता है, दोनों फ्रेंड्स हो गए ना, दोनों रेसिप्रोकल फ्रेंड्स हो गए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ऑटोमेटिक याद होगा, इसका कोई टेंशन लेना नहीं, ये बहुत अच्छी है, याद हो जाती है अपने आप। सेकंड वाले और थर्ड में कन्फ्यूज होता है, उसके लिए मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या बोलता हूँ, 1+cot, देखो सी सी है दोनों, कॉट है तो कोसेक है, सी सी होंगे, राइट? 1+cot² इज कोसेक स्क्वायर। तुम बोलो सर कोसेक को यहाँ ले लूँ, कॉट को यहाँ ले लूँ, चल जाएगा? नो नो नो, 1+cot² इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये ध्यान से रखना है। और थर्ड वाली अगर तुम भूल जाओ तो छोटी सी टेक्निक क्या है, कॉट का दोस्त सबसे अच्छा दोस्त है टैन, तो कॉट स्क्वायर लिखा है तो टैन भी आएगा ना, 1+tan². और सेक खास कैसे आया, ये सब लिख लो तो ऑलरेडी एक लास्ट में सेक ही बचेगा। सो दिस वॉज जस्ट एन आइडिया, यू नो, विच विल हेल्प यू इफ नीडेड, बेसिकली यू विल नॉट नीड एनी हेल्प बिकॉज आई विल बी टेकिंग दिस फॉर्मूला मेनी टाइम्स, आई विल डिस्कस, डोंट वरी। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी डन। सेकंड, 1+tan²θ इक्वल टू 6² θ, एंड थर्ड वन इज 1+cot²θ इक्वल टू cosec²θ। रिमेंबर ऑल दीज थ्री आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, जल्दी बताओ आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आर यू ऑल कम्फर्टेबल? आर यू ऑल कम्फर्टेबल? समझ में आ रहा है? और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा उनको बोलना चाहूँगा एक बार वीडियो फिर से देख लेना। या सेकंड चीज़, ये फार्मूलाज है, इनको फार्मूला की तरह समझो, फार्मूला कोई समझाता नहीं है, फार्मूला खुद समझने पड़ते हैं। फार्मूला बेसिक खुद का काम होता है रिवाइज करना, राइट? मैं तुमको सम्स में मास्टरी करा दूंगा, डोंट वरी। फार्मूला में भी काफ़ी मैंने इजी कर दिया है, बट इट यू हैव टू रिमेंबर इट। सो आर यू, सो दैट्स इट, सो आर यू कंफर्टेबल? फाइन, सो एवरी वन इज कंफर्टेबल, वेरी गुड, वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते, गुड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज, यू नो, बेसिक फार्मूला वी हैव टू डिराइव। व्हाट आर द फार्मूलाज? यू नो, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन कॉस थीटा इज adjacent upon hypotenuse, and tan theta equal to opposite upon adjacent. Opposite, O stands for opposite, S stands for hypotenuse, A stands for adjacent. Adjacent मतलब बगल वाला, opposite मतलब हमारे सामने वाला, hypotenuse वो तो समझ में आते है सबसे बड़ा वाला, और थर्ड वाला एडजस्टमेंट मतलब जस्ट हमारे साइड में, लेफ्ट या राइट, जस्ट एकदम बगल में, साइड में, दैट्स इट, जस्ट एडजस्टमेंट टू अस, राइट? एंड कोस, इसका दोस्त साइन का कौन है, रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक है, राइट? तो कोसेक कितना हो तुमको पता है? अगर ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, पता है कि नहीं? अभी बताया ना, पिछले समय बताया, साइन और कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल है, ऊपर नीचे हैं, 1/cot में आते हैं, मतलब घुमा देना है बस। तो साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक कितना होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, देखो ओ अपॉन एस था ना, तो ये क्या हुआ, एच अपॉन ओ। ये तीनों को कैसे डिराइव करना है मैं बताता हूँ, इसका ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, ठीक है? ट्रिक मैं बताता हूँ, बट याद रखो, सेकंड वाला क्या है, कोसेक कॉज है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, बेसिकली एच अपॉन ए लिख दिया, तो अभी समझ में आ जाएगा, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। थर्ड वन इज कितना, टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका दोस्त जो कि रेसिप्रोकल है वो कितना होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ओ अपॉन है, ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन ओ, ग्रेट, फाइन, वेरी गुड, ये तो सबको पता है। अब देखो मैं तुमको बात बताता हूँ, ये यहाँ से आना, ये आना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, LKG का बच्चा है ना, क्या दिमाग लगा है, बस घुमा देना है, साइन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट कर दिया, ये ए अपॉन एच है तो ये एच अपॉन ए हुआ, ओ अपॉन ए है तो ए अपॉन हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात है कि इन तीनों को याद करना, थोड़ी सी बड़ी बात है, वो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे याद करना पड़ता है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। कैसे करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, याद हो जाएगा। तुम बोलो सर क्या फार्मूला है, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? एक बेसिकली फार्मूला नहीं, एक फ्रेज है, एक फ्रेज मतलब एक लाइन है, स्टेटमेंट है,
oh heck another R of algebra. मतलब क्या होता है, एक लड़का है वो ना, वो उसको पढ़ा रहे होते हैं एलजेब्रा टीचर्स उसको। देखो मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, ये तीनों याद नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? अरे बता चुका हूँ ना, ये तीन याद करो, इससे डिराइव होंगे ना, ये डिराइव होंगे, तो ये तीन नहीं, ये याद करने हैं। इनके लिए मैं तुमको टेक्निक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, टेक्निक ध्यान से सुनो। हो सकता है किसी को मालूम होगी, या हो सकता है किसी और के पास कोई और टेक्निक होगी, तुम वो वाली यूज़ करो। मैं ये नहीं बोल रहा यही वाली यूज़ करनी है, तुम अपनी यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। याद होने चाहिए बस, कोई भी टेक्निक यूज़ करो। सर मुझे बिना टेक्निक के याद हो गए, बस काम खत्म, कोई टेंशन नहीं। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, ये मैं, मेरे को मेरी टीचर ने बताया था, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, बहुत देर से मैथ्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है वो? मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है। स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ, वो क्या करता है, ही स्टडिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम द एंटायर डे, और वो भी एलजेब्रा पढ़ रहा है, एलजेब्रा एलजेब्रा एलजेब्रा। तो वो बोलता है, मतलब वो कहीं पढ़ रहा है, मतलब कोई उसको पढ़ा रहा है, ट्यूशन में गया पढ़ने के लिए, तो एलजेब्रा एलजेब्रा पढ़ा रहे हैं उसको। और फिर क्या होता है, असली में उसको ज्योमेट्री पढ़ना होता है, एलजेब्रा ज्योमेट्री मालूम है ना, टेंथ में एलजेब्रा अलग ज्योमेट्री अलग। सो उनको, उसको ना एलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, एलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ना है ज्योमेट्री, बिकॉज ही लाइक्स ज्योमेट्री मोर। देयर इज़ वन स्टूडेंट हुज नेम इज़ यू नो सैम, सो सैम वॉन्ट्स टू लर्न only geometry, but he is taught only algebra algebra algebra. So finally he goes to the teacher and tells, sir please mere ko na aap geometry padhao, algebra bore ho gaya hu main. To sir ne bola, yaar abhi mere paas geometry ka teacher hai, wo aa jayenge, but ek ghanta aur, abhi 4 baj rahe hain, tum 5 baje hamare sir aane wale hain, to ek ghanta aur algebra kar do, uske baad geometry karenge. To uske muh se kya nikla, oh heck, oh shit, another hour of algebra, aur ek ghanta algebra. तो ये फ्रेज सैम ने यूज़ किया, ठीक है। ओ हैक हैक यू नो ही इज़ वेरी अनहैप्पी, ओ अगेन वी हैव टू वर्क वन मोर आर फॉर एलजेब्रा। तो उसी से फिर उसने डिराइव कर दिया, उस दिन से उसने ये फार्मूला बना लिया। क्या? देखो, ओ हैक पहले नंबर पे, ओ हैक दो नंबर, हैक थर्ड, अनदर अनदर फोर्थ वाला आर ऑफ एलजेब्रा, ओ ए ऑफ। तो ये बस छोटा सा, कुछ टेक्निक नहीं है, कोई ऐसे ही बना दिया, उसे कोई महान टेक्निक नहीं है, नॉर्मल चीज़ है ना, अपना इसको बोलते सिनोनिम, नहीं क्या बोलते सिनोनिम, नहीं एक्रोनिम क्या बोलते भूल गया, मतलब बेसिक शॉर्टकट कुछ लगा देना दिमाग, दैट्स इट। कोई टेक्निक नहीं बता दिया, याद रखना ये फॉलो करने के लिए हमेशा कॉज को बीच में रखना है, साइन फिर कॉज फॉर टैन, ऑर्डर नहीं चेंज करना। इफ़ यू विल चेंज द ऑर्डर देन समथिंग अदर थिंग यू हैव टू अप्लाई, ये नहीं चल पाएगा। कोई कोई लोग ना एक सॉन्ग भी यूज़ करते हैं, ओ आ ओ, वो उससे भी बनाते हैं, बट मेरे को समझ में नहीं आता, तो तुम वो बना लो जो आता है, ये अच्छा है मुझे तो ठीक लगता है, मैं इसी से पढ़ता हूँ। ओ हैक अनदर आर ऑफ एलजेब्रा, तो ओ हैक अनदर आर ऑफ एलजेब्रा। सैम को याद कर लेना, सैम वो लड़के को याद कर लेना, बहुत बोर हो गया था वो ज्योमेट्री पढ़ के, एलजेब्रा पढ़ के। सो वो सर के पास गया और सर ने बोला, नहीं यार एक एक और एक घंटा लास्ट, उसके बाद टीचर आ रहे हैं ज्योमेट्री के, ही विल टीच यू ज्योमेट्री, डोंट वरी, बट वन मोर आर यू हैव टू स्टडी एलजेब्रा। तो ही सेड, ओ वन मोर आर ऑफ एलजेब्रा, सो ओ हैक अनदर आर ऑफ एलजेब्रा। आई रिपीट, किसी और के पास कोई और टेक्निक है तुम वो यूज़ करो, फ्री फील टू यूज़ दैट, ये कोई यही नहीं ये यूज़ करना है, दैट्स इट। और अब तुम्हारे सर ये कैसे याद करेंगे, इसको तो याद ही नहीं करना है, ये डिराइव होगा, कैसे होगा? साइन अपोजिट अपन हाइड्रेसेंट हाइपोटेनस है, ओ हैक राइट अपोजिट अपन हाइड्रेसेंट एडजेसेंट, अरे हाइपोटेनस। तो कैसे कितना होगा, साइन कितना होता है, वन अपॉन को साइन कोसेक राइट, सो रेसिप्रोकल, तो अपोजिट अपन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपन अपोजिट। कॉस कितना है, ए अपॉन एच, सेक कितना होगा, एच अपॉन ए, टैन है ओ अपॉन ए, तो कॉट कितना होगा, ए अपॉन ओ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, वी विल रिमेंबर दिस इजिली विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थ्री, बट ये तीन याद करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब कोई टेंशन नहीं। सो नाउ लेट मी नो, आर यू ऑल कम्फर्टेबल, आर यू ऑल कम्फर्टेबल? Now someone will tell, sir we already know this. Yes, you know already, very good, that's a plus point, but you have to, you know, it's in 11th standard portion, so we have to study each and everything, ठीक है। अगर किसी को आता है पहले से तो कोई टेंशन नहीं है, सबको नहीं आता होगा शायद, ठीक है, इसलिए हम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है, फाइन। सो प्लीज़ एवरी वन लेट मी नो, आर यू कम्फर्टेबल, समझ में आ रहा है, यस और नो, और यू हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट नो डाउट और डाउट एनी थिंग यू हैव, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, फाइन।
please let me know so that I can proceed further. So fine, I can see all of the students are happy and they are not having any doubt. Very good, very good. So I'll proceed further, and no one is having any doubt. No problem. We'll proceed further. Okay, great. Now we will see one more interesting thing. I'll show you what is the thing. 1 minute. Fine. So now I will show you how to make trigonometry table. I'll show you how to make trigonometry table. Now you will tell me, sir, we know how to make trigonometry table, it's very easy. But one thing I want to ask you, क्या बिना देखे बना सकते हो? कैन यू मेक विदाउट सीइंग इन टू द टेक्स्ट बुक? आई होप देर विल बी मैनी फ्यू स्टूडेंट्स, यू नो देर विल बी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु कैन मेक विदाउट सीइंग. फ्रॉम टुडे यू विल मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल विदाउट सीइंग. बिना देखे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनेगा तुमसे, ठीक है? याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद ही करना पड़ता है ना. देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैं तुमको बना के दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, और वो भी कुछ बिना याद किए, ठीक है? वो बना के दिखाता हूँ. बट याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ना बाय हार्ट कर लो, बहुत अच्छा होगा. तुम बोलोगे, सर आपने बोला था बाय हार्ट मैथ्स में ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं होती, वी डोंट हैव टू बाय हार्ट मेनी थिंग्स इन मैथमेटिक्स. बट सी, इफ़ यू विल नॉट बाय हार्ट दिस टेबल, यू नो व्हाट विल हैपन? योर प्रोग्रेस विल बी स्लो. मतलब कोई सम आएगा, तुमको बार बार टेबल देखना पड़ेगा. हाँ, टेबल बना सकते हो, बट बनाने से ज़रूरी है जल्दी हमको आना चाहिए. तो जल्दी कब आएगा? जब याद होंगी वैल्यूज. तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करो. फाइन, सो आई राइट द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. सो फर्स्ट वैल्यू साइन थीटा, राइट? एंड ये जो थीटा होगा, उसके बाद 0 degree, स्टार्ट विद 0 degree, 30 degree, 45 degree, देन वॉट इज द नेक्स्ट वन, 60 degree, एंड देन वी हैव 90 degree. रिमेंबर देर इज़ ऑल्सो मोर टू दिस, आगे भी कुछ और होता है, 150, 120, 300, 150, वो सब हम करेंगे. बट एज अ बेसिक लेक्चर आई विल नॉट इंट्रोड्यूस नाउ, आफ्टर वर्ड वी विल कंटिन्यू. और भी टेबल होता है, आगे बता दूंगा, बहुत ईजी होता है, बट अभी इतना फोकस करते हैं. ये हो गया साइन थीटा. साइन के बाद क्या आता है? अरे बोलो ना, क्या आता है? कॉज आता है. उसके बाद आता है टैन, ठीक है? साइन, कॉज, फिर टैन. टैन के बाद आता है कॉट थीटा. उनके कॉट के बाद क्या आता है? sec theta, एंड लास्ट में cosec theta. सी, यू कैन चेंज द ऑर्डर, बट आई प्रिफर दिस ऑर्डर. ये ऑर्डर अच्छा होता है, यही रखना चाहिए. साइन, cos, tan, फिर cot, sec और cosec. तो बोलो, सर ये ऑर्डर क्यों रख रहे हैं? मैं बताता हूँ. साइन, cos, tan का ऑर्डर तुमको पता है, साइन, cos, फिर tan. हमेशा पहले साइन होता है, फिर cos, फिर tan. ये तीन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर अलग किया है. देखो, tan का फ्रेंड कौन है? cot है. cot लिख दिया. टैन का फिर कॉस, देखो टैन इन इसके साथ फ्रेंडशिप कर दी, फिर कॉज है इसके इसके साथ कर दी, एंड लास्ट में साइन और कोसेक कर दी. ज़रूरी नहीं है तुम लोग यही फॉलो करो. आई विल शो यू, सी, टैन इज फ्रेंडशिप विद कॉट, कॉज रेसिप्रोकल ना, ये लोग साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, सेक का कौन है? कॉज, टैन का. ये ज़रूरी नहीं है ऑर्डर फॉलो करना, बट यूज़ दिस ऑर्डर, इट विल बी बेटर. अब हम लोग इस पे आते हैं, कैसे बनाएंगे. देखो, मैं तुमको बिना देखे टेबल बनाना सिखाता हूँ. बिना देखे कैसे याद करना है? अब देखो, ध्यान से सुन, लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट लाइन जो है ना, वो याद कर लो. फर्स्ट टाइम फर्स्ट लाइन जो है याद करेंगे. बोलोगे, सर कैसे? बताता हूँ. साइन 0 0 होता है, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 91. याद रखो, जो फर्स्ट लाइन है ना, इसको एक याद कर लो. बाकी 1 2 3 4 5 ये बिना देखे मैं तुमको बनाना सिखाता हूँ. हो सकता है पहले से किसी को आता होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. आता है तो क्या, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. नहीं आता तो देख लो आज, फाइन. याद रखो, पहली लाइन को याद रखना है. अब तुमको बाद में और एक टेक्निक बताऊंगा, जहाँ पे हमको साइन भी याद नहीं रखना है,
ऑटोमेटिकली साइन भी याद होगा, बट मुझे लगता है साइन वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी के लिए फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट साइन, वी हैव टू रिमेंबर दिस साइन. साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ साइन 60 इज़ √3/2, एंड साइन 90 इज़ 1. समझ लो हम लोग को साइन का आता है ना. फॉर एग्जाम्पल जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे को आता है साइन का, सोच लो मन में आ गया, ठीक है. अगर तुमको ये नहीं आता तो ये भी सीख लेना, कोई टेंशन नहीं, बट अभी समझ लो साइन का पूरा आता है. आगे के पांचों कैसे बनेंगे, इस साइन के मदद से पूरे पांच बनेंगे, श्योर शॉर्ट पक्का. कैसे बताता हूँ, याद रखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जब व्हेनेवर यू मेक द ट्रिग्नोमेट्री टेबल व्हाट हैपेंस, यू नो व्हाट हैपेंस, साइन और कॉज है ना, साइन और कॉज, ये लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. ये लोग पता है क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त 45 है ना, 45 हमारा दोनों का सेम होगा. बोल रहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, सेम कर देंगे. फिर बोलते चल ये तो सेम कर दिया, बाकी सब सेम नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं बाकी लोग में कुछ गेम कर लेते हैं. क्या गेम करेंगे, इंटरचेंजिंग का गेम खेल लेते हैं. कैसे, 30 को 60 में डाल दे, तू अपनी 60 30 में कर लो, गेम खेलते मज़ा आएगा. गेम खेलते फिर तो cos साइन 30 कितना था, 1/2 था ना, तो cos 60 ना ये साइन 30 की जगह पे आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू cos 60 पे चली जाएगी, इंटरचेंज कर देंगे, इससे गेम खेलेंगे. तो यहाँ पे 1/2 है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, √3/2, और ये 1/2 को इधर लिख देना. वी आर प्लेइंग सम गेम. अब तुम लोग सर अब क्या करेंगे, ये 0 और 90, वो बोलता है देखो बीच वाली वैल्यू को तो सेम टू सेम लिख दिया, ये वाली के साथ इंटरचेंज करा दिया, ठीक है. ये दो भी बच गए ना, ये लोग नाराज़ हो गए, बोल रहे हैं इन दोनों को तुमने गेम खिला दिया, हम लोग को नहीं खिला, वी आर सिटिंग लोनली, प्लीज़ यू नो हेल्प अस आल्सो, लेट अस प्ले गेम. सो व्हाट वी विल डू, ये 0 को ले जाओ इधर, 1 को ले जाओ इधर, बन गया कॉज, बन गया. लो इसको मैजिक बोलो या कुछ भी बोलो, जो भी है बन के वैल्यू इज इन Everyone is getting that idea, right? What is the idea behind it? What is the idea? Very simple. Middle value will never change. Same ही होती है middle value. इन दोनों को same नहीं कर सकते, because फिर मतलब ये दोनों same थोड़ी ना, sine और cos different होते हैं. So what they will do? They'll just, you know, they'll play some game. What is the game? They tell that sine 30 जो है 60 के साथ लिख दो, 60 को interchange कर दो, swapping कर दो. तुम दोस्त इधर आ जाओ, तुम दोस्त इधर आ जाओ. फिर ये 0 और 1 बोलने लगे सर, 0 और 90 सॉरी, दे आर टेलिंग सर इनको गेम खिला दिया आपने 30 60 को, हम लोग को भी, ठीक है उनको भी कर देते हैं. सो ये जो 0 था, ये 0 जो है ना, इसको इधर लास्ट मिलेगा, ये 1 को लास्ट से फर्स्ट मिलेगा. बेसिकली प्लेइंग गेम, इंटरचेंजिंग, स्वैपिंग, दैट्स इट. सो साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टैन. अब अगर तुमको मैं एक चीज़ दिखाऊँ जो स्टार्टिंग में दिखाई थी, tan is how much, sin by cos, my favorite formula. 8 formula लिखे, 8ों में से सिर्फ favorite किसको दिया था, मैंने एक ही को दिया था, याद होगा मैंने बोला था I like this formula. Why? I'll show you now. tan is sin upon cos. tan कितना होता है, sin upon cos. tan कितना होता है, sin upon cos. मतलब हर एक tan की value, हर एक value कितनी होगी, sin की हर value divided by cos की हर value. कहाँ से आया ये, मेरे favorite formula से आया. tan is sin upon cos, रूल है, रूल, और हर हर थीटा के लिए वैलिड होगा, हर एंगल के लिए. सो tan हमारा sin upon cos है, तो tan 0 कितना होगा, sin 0 upon cos 0, 0 upon 1 0 होता है, 0 divided by 1 upon मतलब डिवाइड, 0 divided by 1 और 0 upon 1 is 1, 0. सर tan 30 कितना होगा, sin 30 divided by cos 30, मतलब बेसिकली इन दोनों को डिवाइड कर दो, नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी. डिवाइड करने से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाता है, 1/√3 बच गया. 2 कैंसिल कर दिया ना, 1/√3 बच गया. नाउ यू लास्ट मी सर, tan 45 कितनी होगी, sin 45 upon cos 45. Why? Because tan theta equal to sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, हर एंगल के लिए थीटा, यहाँ पे 45 हो 45 45, 30 हो 30 अपॉन 30. सो यहाँ पे साइन टेन 45 की बात हो रही है, इट विल बी साइन 45 अपॉन कॉस 45, दैट इज बेसिकली डिवाइड, √2 कैंसल, 1/1 इज 1. अब तुम्हें सर यहाँ पे क्या होगा, दोनों को डिवाइड करते चलो, 2 कैंसल,
रूट थ्री अपॉन वन, मतलब रूट थ्री होता है अपॉन वन, कुछ पावर नहीं होती, अपॉन वन लिखो शोके से, डजेंट मैटर। अब वन अपॉन ज़ीरो कितना होता है, देखो ज़ीरो अपॉन वन ज़ीरो होता है, बट वन अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। तो बोले सर ये क्या बना दिया, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं एन डी, नॉट डिफाइंड, पता नहीं, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। अब ये क्या होता है इस पर बात करेंगे, डोंट वरी। तुम लोग सर एन डी क्यों आया, देखो कैलकुलेटर ले लो अपना, साइंटिफिक कैलकुलेटर या नॉर्मल, ज़ीरो अपॉन वन पुट करो यू विल गेट ज़ीरो, वन अपॉन ज़ीरो पुट करो ये बोलेगा मैथ एरर या लॉजिकल एरर, कुछ ना कुछ एरर आएगा, मतलब मैं नहीं गिन सकता, आई कैनॉट काउंट, कैलकुलेटर बोल रहा है, तो इसलिए उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, हम नहीं गिन सकते। इसके बारे में डिटेल में बात होगी, फाइन। अब हो गया सर, डिवाइड कर लिया आपने, फार्मूला यूज़ कर लिया, आप क्या करेंगे, साइन और कॉस जैसे गेम खेल रहे थे ना, मज़ा आया ना, सब लोग गेम खेल रहे थे, सिमिलरली टैन और कॉट भी गेम खेलते हैं, पता कैसे, सेम टू सेम, बोलेगा 45 है ना तुम्हारा, 45 कितना है, बीच वाला वैल्यू चेंज नहीं होता है, टैन 45 वन है ना, तुम मेरा भी वन हो जाएगा, यहाँ पे गेम खेलेंगे, तुम यहाँ आ जाना, तुम यहाँ आ जाओ, तो ये रूट थ्री को मैं इधर ले आता हूँ, ये वन बाय रूट थ्री को इधर लेके आ जाता हूँ, ये इन्फिनिटी था ना, इन्फिनिटी को इधर ले आता हूँ, ज़ीरो को उधर ले आता हूँ, ये लो इन्होंने भी गेम खेल लिया। अब तुम बोलो सर इन्होंने क्यों गेम खेला, अरे साइन और कॉस खेलेंगे, टैन और कॉट मुंह देखेंगे क्या, नहीं ना, उनको भी खेलना है यार, उनको भी खेलना, उनको भी खिलाओ। गेम में याद रखना, गेम में एक ही रूल होता है, दो रूल होता है, पहला वाला मिडल वैल्यू जो 45 होता है, देखो कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच, वी आर फाइव पीपल राइट, सो बीच वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है, वन बाई टू वन बाई टू वन वन चेंज नहीं होगी, और बाकी जो दो हैं वन टू चेंज हो जाएंगे और थ्री फोर चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। नाउ यू लास्ट मी सर, फाइनली लकीली वी आर प्लेइंग गेम्स एंड हमने लकीली दोनों चारों को सॉल्व कर लिया, अब ये बाकी दो का क्या करेंगे, दो मिनट देता हूँ, अभी बता देता हूँ क्या करेंगे, वेरी इजी। पहले मुझे यहाँ तक बताओ सबको समझ आया कि नहीं, जल्दी मुझे बताओ फट से, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, कम ऑन लेट मी नो, एवरी वन शुड रिप्लाई, आर यू ऑल गेटिंग और नॉट, समझ में आ रही है कि नहीं सबको, पहले मुझे यहाँ तक बताओ जल्दी, और मज़ा आ रहा है या नहीं, क्या बोर हो रहा है ये भी बताना साथ में, कि आर यू एंजॉइंग और नॉट, ये दोनों को मैं सॉल्व कराता हूँ, डोंट वरी, जस्ट लेट मी नो फास्ट क्विकली दैट, कुछ नया थोड़ा सा नया कोशिश कर रहा हूँ कुछ बताने के लिए, गेम वगैरह यू नो चीज़ें वही हैं, देखो तुमने शायद पहले से पढ़ी होगी, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग सोच रहा हूँ बना दूँ मैं, दैट्स इट, सो ओके फाइन, आई विल प्रोसीड फर्दर, एवरी वन इज़ गेटिंग वेरी गुड, ओके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड, फाइन, विल प्रोसीड फर्दर, ओके नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट टेक्निक। अब चलो ये दोनों ने गेम खेली, इन दोनों ने चारों ने गेम खेली, अब ये दोनों आ गए, तो अब सेक को कैसे लेके आएंगे सर, टैन को ले रहे साइन अपॉन कॉस, ये फार्मूला यूज किया था, वैसे सेक का भी एक फार्मूला है, सेक का क्या फार्मूला है, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं सब लोग, सेक थीटा इज़ वन अपॉन कॉस थीटा, सेक इज़ वन अपॉन कॉस, ये फार्मूला बना हुआ है, ये फिक्स्ड फार्मूला है, कोई इसको बदल नहीं सकता, सेक कितना है वन अपॉन कॉस, मतलब सेक की हर वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन कॉस की हर वैल्यू, सो सेक ज़ीरो कितना होगा, सेक ज़ीरो, ज़ीरो की लाइन है ना, ज़ीरो ज़ीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी, सेक ज़ीरो कितना होगा, वन अपॉन कॉस ज़ीरो, मतलब वन अपॉन इसका रेसिप्रोकल, वन अपॉन वन कितना होगा, वन ही होगा, वन अपॉन वन ही होगा सर, सेक थर्टी कितना होगा, वन अपॉन कॉस थर्टी, रूट थ्री बाय टू है ना, रूट थ्री बाय टू हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, क्यों, अरे उल्टे है ना, रेसिप्रोकल है, तो वन का तो उल्टा करो कुछ भी करो वन ही रहता है, रूट थ्री बाय टू को उल्टा करो तो टू बाय रूट थ्री हो जाएगा सर, ये वन बाई रूट टू है, 45 कॉस 40 कॉस 45 इज़ वन बाय रूट टू, सेक 45 कितना होगा, रूट टू बाय वन, मतलब रूट टू ही होता है, वन बाय रूट टू को उल्टा कर दिया रूट टू बाय वन, सर ये वन बाय टू है क्या हो जाएगा, टू बाय वन, टू ही होता है बट बताने के लिए सिर्फ वन बाय टू था, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 कितना होगा, 1/2 की जगह 2/1, फाइनली कॉस 90 कितना है, ज़ीरो, कॉस 90 कितना है, ज़ीरो, तो सेक 90 कितना होगा, कितना होगा पता है किसी को, अरे बताओ ना कितना होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आएगा। तो मतलब सर ये क्या मजाक है, मैं बताता हूँ, देखो वन को कुछ भी करो ना वन ही आता है, वन को रेसिप्रोकल करो वन ही आएगा, बट ज़ीरो को रेसिप्रोकल करोगे ज़ीरो नहीं आएगा,
नॉट डिफाइन होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी के लिए समझ लो, मैं डिटेल में बात करूँगा इसके, जीरो और इन्फिनिटी पे हम लोग बहुत देर बात करने वाले हैं, बट आज का टॉपिक वो नहीं है। फाइन, आज का टॉपिक है टेबल समझना। सो आई होप यू आर गेटिंग राइट। वेरी सिंपल फार्मूला यूज, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, दिस इज अ फार्मूला। तो sec की कोई भी वैल्यू होगी, sec 30, sec 45, वो 1 अपॉन cos की उतनी वैल्यू होगी। सो sec cos 0 1 है, तो sec 0 कितना होगा, 1 अपॉन 1 ही होगा। ये देखो वन, ये कितना रूट 3/2 था, ये हो गया 2/3, ये 1/2 है हो गया रूट 2/1, ये 1/2 है हो गया 2/1, 0 है इन्फिनिटी। बेसिकली सबको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ओके फाइन, बस रेसिप्रोकल किया, फॉर्मूला यूज़ किया। नाउ यू विल टेल मी सर फाइन, फिफ्थ वाला भी आ गया, नाउ इसको कैसे करेंगे सर, गेम खेल देंगे। कैसे गेम खेलेंगे बताता हूँ, गेम क्या होता है अपना, देखो इन दोनों ने गेम खेला, इन दोनों ने गेम खेला, ये भी गेम खेलेगा यार, सबको खिलाना है हम लोगों को गेम। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग आ गए क्रिकेट खेलने के लिए, समझो मैं भी आ गया, सब आ गए, और मैं दो लोगों को बोल रहा हूँ तुम लोग सिर्फ गेम देखो, अंपायर बन जाओ या एक थर्ड अंपायर बन जाओ, सिर्फ गेम देखना है, फिर मज़ा नहीं आएगा ना उन लोगों को, सबको खेलने देना है। तो इन दोनों ने गेम खेला, इन दोनों ने खेला, तो ये दोनों भी क्यों खेलेंगे ना, ये खेलेगा गेम इन दोनों की, विल मेक फ्रेंडशिप ऑफ देम एंड दे विल ऑल्सो प्ले द गेम। सर व्हाट इज़ द गेम यू लास्ट मी, सेम गेम, बीच वाली 45 होती है, ये चेंज नहीं होगी, रूट 2/1 ही होगी या रूट 2, ये 1 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, 2/1 ही 2 ही रहता है, इसलिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैंने लिखा। सो ये मिडल वाली वैल्यू विल नेवर चेंज, क्यों खुद देख लो, 1/√2 1/√2 1/1 √2 √2, बीच वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, ये गेम का रूल है। सेकेंड क्या है, स्वैपिंग करेंगे, मतलब ये वाली इधर चली जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। सो 2/1 मीन्स 2 विल कम हेयर एंड दिस इज 2/√3 विल कम हेयर, हो गया। अब ये लोग भी खेलने वाले हैं, जितने लोग हैं सबके साथ खेलने, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड विल कम हेयर एंड 1 विल कम देयर। सो दिस वाज लिटिल बिट टेबल, यू नो। नाउ यू विल आस्क मी सर ये टेबल आपने क्यों बना के दिया, इसलिए बना के दिया एग्ज़ाम में ये टेबल की वैल्यूज यूज़ होने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो क्या होता है, हम लोग बाय हार्ट करके जाते हैं टेबल, मेरे को मालूम है लोग स्टूडेंट्स ना बाय हार्ट करते हैं, बट क्या होता है एग्ज़ाम में ना इतना प्रेशर होता है ना, तो बाय हार्ट कभी कभी हमारा गलत हो जाता है, फार्मूलाज हम भूलने लगते हैं। सो अगर टाइम तो होता है बहुत सारा टाइम होता है, तो लास्ट के पेज में यू नो आंसर शीट के वी मेक दिस फॉर कन्फर्मेशन, ठीक है, कि तुम्हारे मार्क्स जाए मत, यू विल गेट एंटायर मार्क्स। सो होप यू गॉट दिस एंड हियर वी गो, दैट्स इट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस, टुडे वॉज अ बेसिक लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। We will continue many lectures and basically some will start from tomorrow onwards. So I hope you all enjoyed, right? Please let me know everyone is getting or not. Just write into chat box that everyone is fine so that I can stop for today. Let me know. Bata do mujhe jaldi se, main stop kar deta hu. Fine. So this was just an idea I wanted to show you that you can make table, how you can make table. And you can take 1 week time, I am giving you 1 week time to remember by heart this table. Now you will ask me sir, by heart कैसे करेंगे इसको, हमको नहीं आता by heart करना। देखो by heart पता कैसे करते हैं, by heart तो करना ही नहीं है, हर formula को 5-5, 10-10 बार लिखो, रोज 5 बार लिख दो, 7 दिन के लिखो, 7 दिन में याद हो जाएगा, 5 दिन में याद हो जाएगा। याद रखना है ये trigonometry table बनाना बहुत अच्छी बात है, बिना देखे एक सिर्फ एक की मदद से सब बनाना बहुत अच्छी बात है, बट सबसे अच्छी बात है जब तुम इसको बाय हार्ट कर लो, बिकॉज बाय हार्ट की वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज योर स्पीड। एग्जाम नहीं तो एग्ज़ाम में टेबल ढूंढोगे, हाँ टेन इतना है, ये है, ये सब नहीं दिमाग में होना चाहिए। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल स्टॉप हियर, बाय बाय, सी यू टुमारो।